सब्सक्राइब करें हमारे चैनल AK इन्फो इंस्टीट्यूट को और बेल आइकन दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एडमिशन या कोर्स से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे नंबर 9708441666 पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट www.akinfo.in पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं रोहित और ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब का पेज है AK इन्फो का। स्वागत हम करते हैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब के पेज पे। दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का सेट आया है ओरियो अपडेट वाला, मॉडल नंबर है J600G। ठीक है, दिक्कत क्या है, FRP लगा है और 8 वर्जन ओरियो अपडेट के साथ आया है ये। ठीक है, तो मैं आपको इसमें अभी बताने वाला हूँ, जो भी पहले के वीडियो में मैंने बताया था उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। इसमें हमें किसी भी तरह का डिवाइस यूज नहीं करना है, हमारे पास कंप्यूटर होना चाहिए, दो फाइल होना चाहिए, एक तो इसका कम्बिनेशन बैनरी के अकॉर्डिंग, जो बैनरी रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप कम्बिनेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और एक इसका मेन फर्मवेयर। ठीक है, और इजिली हो जाएगा, तो कैसे करेंगे तो आइए इसका प्रैक्टिकल हम देखते हैं। बाकी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू अपडेट के लिए। सबसे पहले सेट को डाउनलोड मोड पे लाना है। तो दोस्तों जिसमें होम बटन नहीं है उसमें आपने करना क्या है, तो रिकवरी मोड पे चले जाइएगा वॉल्यूम प्लस और पावर से। रिकवरी मोड पे जाने के बाद वहां पे एक ऑप्शन आपको देगा रिबूट टू बूट लोडर। यहाँ पे देखिए रिबूट टू बूट लोडर है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका सेट खुद ब खुद पहुंच जाएगा कहां, तो डाउनलोड मोड में। ठीक है, अगर कोई सेट नहीं जा रहा है तो आप उसको ऑन करके लगा दीजिए, ये हमने ऑन कंडीशन में लगा दिया। और यहां से Z3X आप ओपन कर लीजिए या टूल आता है डाउनलोड मोड लाने के लिए। ये दोस्तों हमारा सेट डाउनलोड मोड पे आ गया, बट इसका डिस्प्ले चेंज हुआ है जिसके कारण इसका लाइटिंग प्रॉब्लम है डाउनलोड मोड पे। तो आपने करना क्या है, तो पहले डाउनलोड मोड लेके आ जाना है और सेट को कनेक्ट कर देना है। इसमें बैनरी जो है लेटेस्ट बैनरी, क्योंकि 18 अपडेट है तो ओरियो अपडेट 18 में ही आया है, तो ऑब्वियसली इसका बैनरी कौन सा होगा, लेटेस्ट होगा। तो इसका हमने क्या किया है, तो दो तरह यानी दो चीज हमने डाउनलोड किया, पहला तो कॉम्बिनेशन फाइल और दूसरा यहां पे देखिए। अब आपने करना क्या है, तो ओडिन लेटेस्ट ओडिन जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। यहां पे हमने ओडिन ओपन कर लिया। ठीक है, ओडिन ओपन करने के बाद कंपोर्ट आ गया, कंपोर्ट आ गया मतलब हमारा सेट जो है वो कनेक्ट हो गया। अब AP में जाके आपको लेटेस्ट कॉम्बिनेशन, तो यहां देखिए ये हमने कॉम्बिनेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, लेटेस्ट U3 है, J600ZD और U3 फर्मवेयर, यानी कॉम्बिनेशन यहां हमने सेलेक्ट कर लिया। सीधा हमें करना क्या है, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, तो फ्लैश जस्ट वेट, ये फाइल लोड हो रहा है। बाकी दोस्तों हमारा एडमिन का जो नंबर है 9708441666। अधिक जानकारी बाकी एडमिशन से संबंधित जानकारी के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, और आप भी मास्टर मेथड कोर्स कर सकते हैं। ये देखिए फाइल लोड हो गया है, अब हमने करना क्या है, तो स्टार्ट कर देने। ये जैसे ही फ्लैशिंग होगा उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा कि एक कॉम्बिनेशन में एक नया सोर्स दे दिया है। अगर आप वो सोर्स को क्लिक कर देते हैं तो आपको दोबारा जो Z3X से रीसेट FRP करते थे वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी देखते हैं, ये हो रहा है फ्लैशिंग, थोड़ा हमें इंतजार करना है, ये हो रहा है, बस कुछ सेकंड और ये वेट करना है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा फ्लैशिंग डन हो गया और ये सेट हमारा ऑन हुआ, ये ऑन हो रहा है फैक्ट्री बैनरी प्लेटफॉर्म पे। अभी एक बैनरी प्लेटफॉर्म आएगा जो कॉम्बिनेशन से हम फ्लैश, तो कॉम्बिनेशन से फ्लैश करने के बाद हमारे पास आता है बैनरी प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये ऑन हो रहा है, जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
ये देखिए दोस्तों, ये बैनरी प्लेटफॉर्म दे दिया है। अब आपने करना क्या है, तो गो टू ऐप, एप्लीकेशन में जाना है, थोड़ा पास करो और अब यहां पे क्या करना है, तो सेटिंग, और सेटिंग में जाके आपको डेवलपर ऑप्शन एनेबल कर लेना है। क्या चीज, जस्ट वेट, यहां पे देखिए अबाउट, अबाउट में जाके बिल्ड नंबर पे 7 बार क्लिक करेंगे। अब ये डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया। अब डेवलपर में आपने क्या करना है, तो ये देख रहे हैं ओईएम अनलॉक, इसे एनेबल कर देना है। तो यहां देखिए ओईएम अनलॉक इज ऑलरेडी एनेबल, ये ऑलरेडी एनेबल हो गया है। अब आपने फिर करना क्या है, जब ओईएम अनलॉक एनेबल हो जाए तो सेट को दोबारा डाउनलोड मोड पे लाने के। हाँ, ये खास करके आपका ओरियो अपडेट में हो रहा है। इसको दोबारा हमने क्या किया, तो डाउनलोड मोड पे लाया। ये हमारा डाउनलोड मोड पे आ गया। अब यहां पे क्या किया, तो डाउनलोड मोड आने के बाद दोबारा हमने ओडिन ओपन कर लिया, और ओडिन लेटेस्ट यूज करना है, ठीक है। तो ओडिन ओपन कर लिया, यहां देखिए कंपोर्ट शो कर दिया। अब इसका हमने एक मेन फर्मवेयर डाउनलोड किया है, तो यहां डाउनलोड में जाके यहां पे देखिए, तो ये मिल गया इंडिया वाला, ठीक है। तो आपको बीएल, तो बीएल में जाके, ये बीएल में बीएल फाइल ले लेना है, सीपी, सीपी में सीपी ले लेना है, सीएससी, सीएससी में होम सीएससी ले लेना है, और एपी में जाके एपी फाइल ले लेना है। ये चारों फाइल ले लिया, और फाइल लेने के बाद क्या करना है, तो फ्लैश कर देना है। बस वेट करना है कुछ देर। अब बहुत भारी नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इजी, इतने बंदे जो है वो यूट्यूब पे वीडियो डाल रहे हैं, गूगल पे पेज बनाए, जैसे जीएसएम डेवलपर है या आपका जीएसएम फोरम है, तो ये सब तो बहुत काम इजी कर दिया है। अगर अभी के टाइम में थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, अगर आपने दिमाग लगा दिया तो काम उचित हो जाएगा। बाकी ये देखिए एपी फाइल हमारा लोड हो गया। अब आपने करना क्या है, तो यहाँ स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और ये थोड़ा टाइम लगाएगा, तो जैसे ये फिनिश हो जाएगा तो हम आपको दिखा देंगे। बस ये रीसेट हो गया पास, और ये हमारा सेट ऑन हो गया, ठीक है। अब देखना है कि हमने जो काम किया है इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। बस थोड़ा इंतजार और। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा सेट ऑन हो गया है, ठीक है। और यहां से स्टार्ट, और ये हमारा एफआरपी खत्म हो गया, नेक्स्ट, ठीक है, एग्री। अब इसे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये ओरियो अपडेट में ये नया फैसिलिटी जो है कॉम्बिनेशन ने दे दिया है, कि अगर आप कॉम्बिनेशन से फ्लैश कर देते हो तो आपके पास ओईएम का सोर्स आ गया, और ओईएम अनलॉक अगर आप टिक कर देते हो तो आपका एफआरपी डिसेबल हो गया। अब एफआरपी उस जो हमने आपको लास्ट इससे पहले वीडियो दिया था उसमें क्या था, कि आप कॉम्बिनेशन से फ्लैश करते थे तो मात्र आपका एडीबी पोर्ट एनेबल होता था, आपका ओईएम नहीं होता था, जिसके कारण आप फिर Z3X से उसको अनलॉक करते थे। इसमें क्या हुआ, तो हमारा ओईएम अनलॉक दे दिया, अब जो है सीधा एफआरपी मुद्दा ही नहीं रहा, और फिर सीधा हमने फ्लैश कर दिया। फ्लैश करते समय अगर एरर आए तो आप ओडिन का नया वर्जन यूज कीजिए, या लेटेस्ट बैनरी वाले फाइल से फ्लैश कीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखते रहिएगा, और अगर दिक्कत प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जो है डाल दीजिएगा, हम कमेंट रीड करते हैं और फिर उसी पे हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बाकी फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।